मुरादाबाद में 6 अगस्त को बीएड प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है। ये परीक्षा 30 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी, जहां पर कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने के साथ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कर लिए गए हैं। मुरादाबाद जनपद में बीएड प्रवेश परीक्षा 6 अगस्त को आयोजित की जा रही है, जिसको लेकर जिला प्रशासन इस तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य और शिक्षकों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए जनपद मुरादाबाद में 30 केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ पर 2 पारियों में बीएड प्रवेश परीक्षा सम्पन्न कराई जाएगी। प्रधानाचार्य सुनीता डी सिंह ने बताया कि परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर हमारे हिस्से से काम कर लिया गया है और विद्यार्थियों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो उसकी भी व्यवस्था कर ली गई है। ये किस चीज़ की तैयारी चल रही है और क्या होगी? कल हमारे विद्यालय में बीएड की परीक्षा है और पूरे मुरादाबाद में 30 सेंटर्स बने हुए हैं और पूरी तैयारी हम लोगों ने कर ली है। सैनिटाइजेशन कॉलेज के अंदर हो गया है और सीटिंग प्लान और सारी चीज़ों की तैयारी हो गई है, जिससे कि बच्चों को कोई असुविधा ना हो, उनके सामान को रखने के लिए भी सुविधा कर दी है और पूरी लगभग हमारे स्टाफ सारा पूरा सब कुछ तैयार है। कितनी पालियों में आयोजित की जाएगी मैडम? 2 पालियों में आयोजित की जाएगी और 500 स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ। कितने बजे से कितने तक रहेगा ये 2 पालियाँ हैं? 9 बजे से 12 बजे तक एक है और दूसरी 2 से 5। आपको भी दिशा निर्देश दिए गए हैं प्रशासन द्वारा? जी हाँ, प्रशासन द्वारा पूरे दिशा निर्देश दिए गए हैं। पूरी परीक्षा को कराने के लिए अलग से निर्देश होते हैं कि किस प्रकार परीक्षा कराई जाती है और सैनिटाइजेशन वगैरह की पूरी कोविड की गाइडलाइन को फॉलो करना। लगभग कितने विद्यार्थी परीक्षा देंगे मैडम? 500 एक केंद्र पर 500